नमस्कार, रागगिरी के वीकेंड स्पेशल इंटरव्यू सीरीज में हम अक्सर आपकी मुलाकात कराते हैं देश के जाने माने कलाकारों से, लेकिन हाल ही में हमें कुछ ऐसे छोटे सुरीले कलाकार मिलने लगे कि हमने फैसला किया कि हम उनको भी आपसे मिलाएंगे, उनको भी आपको सुनाएंगे। और आज हम मैं जिस कलाकार से आपको मिलाने जा रहा हूँ वो हैं बीरेन डंग। 12 साल के हैं, रियलिटी शोज में आपने इनको ज़रूर देखा होगा। शंकर महादेवन जैसे कलाकार ने इनकी तारीफ में काफ़ी कसीदे गढ़े हैं, काफ़ी तारीफों के पुल बांधे हैं, और बीरेन हैं सिर्फ 12 साल के, जैसा मैंने कहा। तो आइए बातचीत करते हैं बीरेन डंग से। बीरेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका रागगिरी में, और मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं आपके जैसे नन्हे सुरीले कलाकारों से बातचीत करता हूँ, क्योंकि एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नई सोच मिलती है संगीत को लेके। लेकिन हम बातचीत शुरू करते हैं, आपने देखा होगा हमेशा भजन के साथ, तो पहले तो मैंने स्वागत कर दिया आपका और रिक्वेस्ट अब ये करूंगा कि कोई भजन सुनाइए हमें। जरूर सर, जरूर। छंद मकरंद पिया मिलिंद, मकरंद पिया मिलिंद, मकरंद पिया मिलिंद, मधु सेवना नंद स्वच्छंद गंद, हे छंद मकरंद गे छंद मिटता मगरंदगे। क्या बात है बीरेन, और आपने भजन भी सुनाया और आपके चेहरे की जो मुस्कान है उसको देख के तो मजा ही आ जाता है। बीरेन, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप किस क्लास में हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, आपको क्या मजा आता है, किस किस सब्जेक्ट में ज्यादा मजा आता है? सर, मैं 7th क्लास में स्टडी करता हूँ, मेरी एज 12 इयर्स है, और सर सारी सब्जेक्ट्स में इक्वल मजा आता है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि मैथ साइंस इन सबसे थोड़ा भागना पड़ता हो, लगता हो अरे ये कहाँ से आ गया, इक्वेशन तो याद ही नहीं हो रहे? हालांकि इक्वेशन तो अभी पढ़ते ही नहीं होंगे आप भी। मैथ से तो सर अभी मेरा बहुत हाथ ढीला है, मेरा पेन पकड़ती हाथ ऐसे हो जाता है, सर कांपने लग जाता है मैथ्स में तो। बाकी सर साइंस अच्छा लगता है, एसएसटी अच्छा लगता है, बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मैथ्स थोड़ा मेरे को मुश्किल लगता है। अच्छा बीरेन, ये बताइए आप मुझे कि मैं आपके फादर से बात कर रहा था और मुझे जितना बातचीत करके समझ में आया कि म्यूजिक का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था आपकी परिवार में, ये आपको म्यूजिक का शौक कैसे लगा? सर एक्चुअली म्यूजिक मेरी लाइफ में चमत्कार की तरह ही आया था। जब मैं बहुत छोटा था सर, तब मुझे सर यूरिन की प्रॉब्लम हुई थी, मेरा यूरिन पास्ट नहीं हो रहा था 2-3 डेज तक, जब मैं बिल्कुल न्यूली बॉर्न था। तो जो मेरे जितने भी डॉक्टर्स थे उन सबने कहा कि इसके जितने टेस्ट हैं वो टेस्ट करवाओ पहले सारे, उसके बाद पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो जो मेरे जाई जी थे, मतलब जो मेरे बड़े नानी जी थे, उन्होंने मेरे को अपनी गोदी में लिया, उन्होंने कहा इसके कोई टेस्ट कराना नहीं है। उन्होंने मुझे एक भजन सुनाया, मेरे पैर पर हल्का सर गर्म पानी डाला, सर मेरा यूरिन पास हो गया। तो म्यूजिक कराता तो सर तब से ही है मेरी लाइफ में, चमत्कार की तरह म्यूजिक आया था, मुझे ठीक करके चला गया। उसके बाद सर धीरे 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 मेरे पापा ने मुझे डांस एकेडमी में डाल दिया डांस सिखाने के लिए। तो वहां पे सर डांस कम सीखता था, और जो गाने प्ले होते थे सर वहां पे हमें डांस सिखाने के लिए, वो ज्यादा सीखता था, उन गानों को याद करके घर पर डांस के जो गाने सुनाता था। तो डांस वाले सर ने पापा को बोला सर इसको डांस से हटाओ, इसको म्यूजिक सिखाओ। तो फिर पापा ने मुझे म्यूजिक सिखाना शुरू किया खुद ही पापा मम्मी ने। उसके बाद अराउंड 2nd या 1st क्लास में एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन हुआ था सर, उसमें मेरे को 3rd प्राइज मिला था, और उसके बाद से बस घर वालों को थोड़ा धीरे धीरे समझ आया कि म्यूजिक में इंटरेस्ट है और मुझे सिखाना शुरू किया। तो बीरेन, अपने गुरु के बारे में बताइए, जब आपने डांस छोड़ के और म्यूजिक में आप गए, तो आपके गुरु गुरु जी जो हैं उनके बारे में बताइए थोड़ा। जी
तो सर एक्चुअली जब मैंने डांस छोड़ा है तो 3-4 इयर्स तक तो मेरे सबसे पहले गुरु मेरे मम्मी पापा ही थे। उन दोनों ने मुझे सारी चीजें सिखाई, सब कुछ बताया, गानों में फील कैसे डालते हैं, गाना गाया कैसे जाता है, कौन सा गाना चूज करना चाहिए। और जैसे थोड़ा थोड़ा हुआ तो अभी 1-1.5 साल से मैं श्री सुधांशु भगुना से सीख रहा हूँ, जो कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग देते हैं। तो पापा मम्मी भी गाते हैं इसका मतलब घर में? नहीं, उन लोग गाते बिल्कुल नहीं है, उन लोगों को गाना सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और बल्कि मतलब बहुत म्यूजिक लवर्स है दोनों, तो मुझे बचपन से अभी तक तो वही सिखा रहे हैं। अच्छा अभिरेन, ये भी बताओ कि आप अभी जो म्यूजिक सीख रहे हैं उसमें फोकस किस चीज पे ज्यादा है? अभी आप बहुत यंग हैं, शास्त्रीय संगीत सीखने में कई बार आपके पेशेंस का टेस्ट भी होता है, टीचर एक ही राग कई कई महीने तक सिखाते रहते हैं। आप जो सीख रहे हैं तो आपका फोकस किस चीज पे है? क्लासिकल म्यूजिक पे है, लाइट म्यूजिक पे है, सेमी क्लासिकल पे है, किस पे फोकस ज्यादा करते हैं आप? सर एक्चुअली मैं सुनता हर टाइप का म्यूजिक हो, चाहे वो पॉप हो, चाहे हिंदी हो, चाहे क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल, क्योंकि सर मतलब जब हम ऐसे म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे में थोड़ी वर्सिटैलिटी आती है, हमें समझ आता है कि हमें किस तरह के गाने गाने चाहिए, किस तरह के गाने होते हैं। लेकिन सर जब भी मैं बॉलीवुड सॉन्ग सुनू या कुछ सुनू तो सर बड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है, लेकिन जब क्लासिकल सुनता हूँ ना तो सर पूरी लाइफ पूरी हो जाती है सर, बिल्कुल अंदर मतलब भर जाता है। तो मैं फोकस तो क्लासिकल की तरफ ही करता हूँ, लेकिन वही बात है अभी मुझे उतना आता नहीं है तो थोड़ा बहुत कच्चा पक्का हूँ, लेकिन मजा उसी में आता है। नहीं, आप कतई कच्चे पक्के नहीं है, हमने आपको गाते सुना है। और अगर कच्चे पक्के हैं भी तो अभी आपकी उम्र भी इतनी नहीं है कि आप उसको लेकर परेशान हो। अभी तो जरूरत है कि समर्पण रहे, आप अपने डेडिकेशन के साथ सीखें उसको। कौन कौन से राग अभी तक आपने सीखे बीरेन, बताइए क्लासिकल संगीत में? सर मैंने अभी मेघ महरार सीखा है, भीमपला से सीखा है, भैरवी सीखा है, यमन सीखा है। तो गुरु जी जितने भी राग सिखाते हैं, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जैसे कि एक ही राग बार बार सिखाते हैं तो पेशेंस का भी चेक होता है, लेकिन सर सारी बात नहीं है, गुरु जी हमारे जितने भी क्लासिकल सिंगर्स हैं वो एक सा भी लगाते हैं ना तो सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बस वही चीज है कि उस चीज में कभी पेशेंस नहीं चेक होता। किसको किसको सुनते हैं आप, ये बताइए। जब आप शास्त्रीय गायकों का जिक्र कर रहे हैं, कौन से बड़े कलाकार हैं जिनको आप ज्यादा सुनते हैं क्लासिकल म्यूजिक में? मैं सर राशिद खान जी को सुनता हूँ, अपने गुरु जी को सुनता हूँ, और काफी ज्यादा मैं कौशिकी चक्रवर्ती जी को भी सुनता हूँ, क्योंकि मेरे को उनके गाने का तरीका बड़ा पसंद आता है, जिस तरह से वो तान लेते हैं, जिस तरह से वो आकार लेते हैं, आलाप लेते हैं, ये सब चीजें मतलब जितने भी क्लासिकल सिंगर है, सॉरी मैं अगर किसी का नाम लेना भूल गया हूँ, तो मेरे को मतलब किसी का भी सुना दे मेरे को बहुत आनंद ही मिलता है, क्योंकि क्लासिकल सिंगर एक क्लासिकल सिंगिंग एक चीज ही ऐसी है सर, उसको किसी भी सिंगर के मुंह से सुन लो आनंद ही मिलता है। बीरेन अभी आप इतने छोटे हैं कि आपकी किसी बात का कोई भी बुरा नहीं मानेगा, इसलिए आप परेशान मत होइए। आप मतलब 12 साल का एक बच्चा शास्त्रीय संगीत पर बात कर रहा है इतनी गंभीरता से, यही बहुत अच्छी बात है, इसी बात के लिए आपकी हौसला अफजाई होगी। अच्छा मुझे बताइए, आपने मेघ मल्हार कहा, यमन कहा, भैरवी कहा, भीम पलासी कहा, तो इसमें से कौन सा राग आप हमको सुनाने जा रहे हैं अभी? मैं मेघ मल्हार की कोशिश करूंगा, कोशिश करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। चमके बिजूरी कहत हरी तू राज आयो, कहत हरी तू राज आयो, कहत हरी तू राज आयो रे। सरुत के संग रंगी हर तरंग में धरा, सब विहंग आज दंग एक रंग ये हरा। सरुत में आज तू अंग अंग रंग दे, काल की झनकार छेड़ संग में मृदंग दे, घुमड़ घुमड़ काली गड़ा रौद्र रूप
चमक दमक चमक बिजूरी कहत हरि तू राज आयो, कहत हरि तू राज आयो, कहत हरि तू राज आयो रे। क्या बात है बीरेन, आपने राग भी ऐसा सुना जो कि चुना ऐसा राग जो कि बहुत बड़े जो शास्त्रीय गवैये हैं उनसे हम लोग सुनते आए हैं उनके कार्यक्रमों में। और मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगा कि मेघ मल्हार दरअसल मल्हार राग का ही एक प्रकार है। सुरों में थोड़ा सा बदलाव करके कहीं पर कोमल की जगह तीव्र और कहीं तीव्र की जगह मध्यम जब हम सुर लगाते हैं तो राग में राग के स्वरूप में बदलाव होता है और ऐसे ही राग बदल जाते हैं। जैसे तोड़ी में तोड़ी के भी कई प्रकार हैं, वैसे ही मेघ मल्हार मल्हार का एक प्रकार है। जितना मुझे पता था मैंने बता दिया बीरेन, लेकिन मुझे लगता है मैंने सही ही बताया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बताया आपने। तोड़ी में हम कुछ अलग कर देते हैं, मियां की तोड़ी बन जाता है, तो ऐसे सब कुछ चलता रहता है। अच्छा बीरेन, मुझे ये बताइए कि आपके जब बराबर आपकी तरह के कम यंग बच्चों से मैं बात करता हूँ तो मेरी क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर होती है कि आप लोग बैलेंस कैसे करते हैं कि कब पढ़ना है कब रियाज करना है। क्या कोई टाइम टेबल स्कूल से मिलता है या टाइम टेबल कोई पेरेंट्स बना के देते हैं, कैसे फॉलो करते हैं? एटलीस्ट सर, जहाँ तक बात करी जाए पढ़ाई और म्यूजिक की, तो सबसे ज्यादा फोकस जो मेरा करवाता है वो तो पेरेंट्स ही हैं, लेकिन मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं उतना टाइम पढ़ाई को भी दूँ और उतना ही टाइम मैं अपने रियाज को भी दूँ, सिंगिंग को भी दूँ, क्योंकि सर दोनों ही मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो कभी डांट पड़ी है आज तक याद करिए कभी, और जब आप छोटे रहे हो कि बहुत पढ़ते हो रियाज नहीं करते या बहुत रियाज करते हो पढ़ते नहीं हो? एक्चुअली सर कभी उस चीज के लिए डांट नहीं पड़ी, लेकिन जब भी डांट पड़ी है सर वो पड़ी है मुझे पीटीएम पे। सर यूकेजी से, अब मैं सेवंथ में आ गया हूँ, स्टार्टिंग से मेरी यही शैतानियों की वो है कि आपका बेटा शैतान बहुत है, आपका बेटा बातें बहुत करता है, तो जब भी डांट पड़ी है सर इन्हीं चीजों में पड़ी है। इसमें तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये डांट तो मुझे नाइन्थ में मुझे बहुत सारे प्राइज मिले थे, बेस्ट कविता का बेस्ट डिसिप्लिन का। मेरे पिताजी स्कूल आए थे और उनको भी यही शिकायत मेरे मैथ्स के टीचर ने की थी कि आपका बेटा बातचीत बहुत करता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत शिकायतें तो हो जाती हैं। तो स्कूल में जो टीचर्स हैं बीरेन उनके बारे में बताइए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब बच्चे में कोई स्पेशल टैलेंट हो तो उसको थोड़ी सी रियायत मिल जाती है, बदमाशी करने के बाद बच जाता है, तो आप बच जाते हैं क्या कभी? सर पहले तो मैं कोशिश करता हूँ बदमाशी ना करूं, लेकिन सर अंदर का कीड़ा ही ऐसे सर अपने आप हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता कब हो गई। लेकिन सर ये मेरे को कई बार अच्छी बात भी लगती है कि पेरेंट्स को ये चीज पता चलती है कि मैंने बदमाशी करी है, बल्कि छूट तो इस चीज की कभी नहीं मिली, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा बहुत सर ऐसा हो जाता है कि हाँ बदमाशी करी है तो ठीक है कोई बात नहीं। आपके पापा कह रहे थे बीरेन को दो चीजें बहुत पसंद है, खाना और गाना। बिल्कुल सर, ये दोनों चीजें तो लाइफ लाइन है सर, एक दिल है तो एक जान है सर, दोनों नहीं छोड़ सकता, खाना भी चाहिए और गाना भी चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो गाने का तो मुझे आपने बता दिया कि आपको क्या क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है? सर मेरे को जो भी खाने वाली चीज हो ना दे दो सर, मैं खा लेता हूँ, बस क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए चीज की, मैं सब कुछ खा जाता हूँ। अच्छा बीरेन, आप मतलब एक रियलिटी शोज में शो में पार्टिसिपेट करना और फिर वहां पर प्राइज जीतना, जाहिर सी बात है अब आपको लोग पहचानते हैं, मतलब आपको स्कूल में ही नहीं बाहर स्कूल गए पहचानते होंगे लोग आपको, तो ये कितना मजा आता है स्टेटस का कि कोई जा रहा हो कोई कह रहे वो देखो बीरेन जा रहा है, उसको कहीं देखा है हम लोगों ने। सर एक्चुअली अभी तो मैं उतना पॉपुलर नहीं हुआ, एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, छोटा सा कलाकार हूँ, उतना मैं फेमस नहीं हुआ सर, लेकिन हाँ जब भी कोई ऐसा कहता है कि वो देखो बीरेन जा रहा है सर, बहुत खुशी मिलती है सर, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हमने बहुत मतलब अच्छा लगता है सर उस टाइम पे कि इन्होंने हमें पहचान लिया। जहाँ भी कहीं भी जाओ तो कोई एक आधा बंदा बोल देता है कि वो बीरेन है, तो मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है सर उस मोमेंट पे। कहते भी यही है हमारे यहाँ की बहुत पुरानी कहावत है कि अगर पिता की पहचान उसके बेटे के नाम से होने लगे तो इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट पेरेंट्स के लिए होता नहीं है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा मुझे आप ये भी बताओ कि जब आप रियलिटी शो में जाते हो और गाने को सेलेक्ट करते हो कि आपको क्या गाना है, तो आपके दिमाग में क्या होता है कि सामने जो जजेस बैठे हैं उनको उनका दिल जीत लेना है, उनका रियलिटी शो में भी नहीं अगर आप घर में भी आपके कुछ मेहमान आए हुए हैं और आप उनके लिए गा रहे हो, तो आपको क्या रहता है दिमाग में कि इनको इनका दिल जीतना है
इनको थोड़ी थोड़ा सुकून देना है, या ये लगता है कि नहीं सरपट सरपट कुछ तेज से जल्दी से ताने सुना दूं और ऐसा कर दूं कि ये लोग चौंक जाएं कि अरे ये इतना छोटा सा बच्चा ऐसे कैसे गाता है, क्या क्या रहता है दिमाग में आपके? सर एक्चुअली कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि सबका दिल जीतूं। अब एक बार कोई थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है तो कोशिश नाकाम हो जाती है, लेकिन सर कोशिश हमेशा यही रहती है कि दिल जीतूं। हमेशा कोई भी सॉन्ग की सिलेक्शन हो कुछ भी हो तो कभी ये नहीं रहता कि इससे बिल्कुल वो चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे इसने कैसा गा दिया। कोशिश वही रहती है कि दिल जीतूं उनका, उनका खुश करूं उनको। अच्छा, कौन कौन से बड़े कलाकारों ने अभी तक आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है कि बीरेन तुम तो मतलब एकदम वंडर बॉय हो और बस म्यूजिक में एकदम लग जाओ? सर एक्चुअली मैं काफी लोगों से अभी तक मतलब मिला हूँ। मैं सबसे पहले सर बात करता हूँ, अभी हमने पार्टिसिपेट किया था सर, मैंने अभी सुपरस्टार सिंगर में सर सोनी में, तो वहां पे सर जितने भी जजेस थे, हिमेश रेशमिया सर, उसके बाद अलका याग्निक जी, जावेद अली सर, इन सब ने कभी ना कभी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। और अभी तारा जमी पर मैं शंकर महादेवन सर, जुनिता दीदी, टोनी भैया, इन सब ने जितनी भी सीखे दिए सर, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स दिए, सब मुझे आगे जाके काम आए हैं। मुझे आगे जाके ये चीज समझ ही आई है कि मेरे को कैसे इम्प्रूव करना है और कैसा मैं गा रहा हूँ, तो ये बहुत काम आते हैं सर। और बस मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब आर्टिस्ट का इंटरव्यू करता हूँ तो हमेशा याद रखता हूँ कि मुझे इनसे बीच बीच में रिक्वेस्ट करनी है गाने की, लेकिन आपके साथ बातचीत में इतना मजा आ रहा है कि मैं भूल जा रहा हूँ। तो आप एक बार फिर से आप मुझे बताइए क्या सुनाने जा रहे हैं आप हमें? सर मैं एक सेमी क्लासिकल फिल्म का गाना सुनाने जा रहा हूँ, अलबेला सजन आयो री। क्या बात है, आपकी तो पसंद भी इतनी कमाल की होती है बीरेन की, मजा आ जाता है। चलिए सुन लेते हैं इस गाने को। जी सर कोशिश करना। बिरेन, बहुत खूबसूरती से आपने इसको निभाया, और अच्छी बात यह कि आप जिस तरह से अपने अपने आवर्तन के लिए जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं गाने के साथ, अपना एफर्ट डाल रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। और इसको तो ये तो इतनी खूबसूरत चीज है सेमी क्लासिकल की, जिसको मेरे ख्याल से भारत के हर बड़े कलाकार ने गाया है, बजाया है, और आपका आपका चॉइस सिलेक्शन भी इससे दिखाई देता है कि आप किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। चलिए फिर वापस आते हैं बातचीत में। अब मुझे ये बताइए कि जब आप स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाने से पहले या मान लीजिए उससे बीती रात में आपने कोई बहुत अच्छी सी कोई ठुमरी सुनी है, या कोई छोटा ख्याल सुना है, या कुछ ऐसा सुना है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, लेकिन स्कूल आप जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो एज ग्रुप के बच्चे हैं वो उस बात को समझ पाएंगे, मिस करते हैं इस चीज को? सर इस चीज को मिस तो बहुत करता हूँ, लेकिन पहले समझ जाता हूँ कि मैं इनको बताऊंगा तो वो समझ नहीं पाएंगे। और सर एक्चुअल में मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब बड़े लोग ही हैं, और मेरे जो म्यूजिक क्लास के लोग हैं, और मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, और सर जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं वो मेरे पापा। उनको अगर चाहे राग के बारे में नॉलेज हो चाहे ना हो, वो A to Z मेरी हर बात सुनेंगे। उनको जैसा फील हो रहा हो, तो मुझे तो सर मतलब मैं जितनी बातें शेयर करता हूँ पापा के साथ ही करता हूँ, दोस्तों के साथ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और कभी कभी आपको लगता है कि जो म्यूजिक आप सीख रहे हैं वो आपको बाकी बच्चों से अलग करता है, कुछ ऐसा फील आता है अंदर से?
एक्चुअली सर अलग तो कुछ नहीं करता, क्योंकि जितने मतलब अलग करता है, लेकिन जितने भी हम सब लोग हैं वो उन सब पे कुछ ना कुछ, सर भगवान ने सबको बना के भेजा, तो कुछ ना कुछ सब पे कुछ ना कुछ है। कोई डांसर है, कोई पेंटर है, कोई सिंगर है, तो सब एक तरह के हैं सर, बस शक्लें अलग अलग हैं। तो अलग तो कोई भी नहीं है किसी से। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि फैक्ट यही है कि अगर आप म्यूजिक सीख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी क्लास में कोई बच्चा ड्राइंग सीख रहा होगा, कोई बच्चा हो सकता है बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हो, कोई बच्चा हो सकता है कोई और चीज सीख रहा हो, और जरूरी सीखना होता है, क्या सीख रहे हैं ये तो बात की बात है, कोई भी एक एक कला अगर आप सीख रहे हैं तो। लेकिन बीरेन ये मुझे बताओ, आपकी अभी जब 2 साल का समय जिस तरह से लगभग लगभग निकला और जिसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत टफ टाइम्स थे, बिल्कुल घर से बाहर निकलना मुश्किल था, ऐसे वक्त में आपको लगा कि म्यूजिक आपका बहुत अच्छा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा एक दोस्त है, बोर हुए थोड़ा सा रियाज कर लिया, मूड अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा गा लिया, ऐसा लगा आपको? बिल्कुल सर, ऐसा तो मतलब लॉकडाउन में हमेशा ही होता रहा है सर। मूड नहीं अच्छा होता तो सर कभी म्यूजिक चला लिया। हमारी पूरी फैमिली सर म्यूजिक की बहुत बड़ी फैन है, मेरे भैया, मेरे पापा, मेरे मम्मी। हम लोग का मूड खराब होता है, हम लोग स्पीकर्स ले रखे होते हैं, सॉन्ग्स प्ले करते हैं, गाने सुनते हैं, और बिल्कुल मूड रिफ्रेश हो जाता है। समझ नहीं आता कैसे हुआ, लेकिन म्यूजिक से ही होता है। म्यूजिक सर कहते हैं ना, हील करता है, तो बस सर वैसा ही काम किया। लॉकडाउन में भी सर म्यूजिक ने इतना मतलब, कोशिश करता हूँ कि अपनी डेली लाइफ में म्यूजिक को डालूं, कैसे भी करके डालूं, रियाज करके या फिर उसका कुछ गा के, कुछ भी थोड़ा बहुत मिनट के लिए भी गा लेता तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ किया। तो म्यूजिक तो सर बिल्कुल बहुत हेल्प करता है। मतलब बहुत यंग हैं भी आप, लेकिन आपसे ये सवाल पूछ के मैं देखना चाहता हूँ कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, म्यूजिक है क्या आपके लिए, क्या क्या मतलब म्यूजिक आपको क्या ऐसा देता है? सर एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया, म्यूजिक तो मेरी लाइफ में आए चमत्कार की तरह था। और सर म्यूजिक मुझे जीने के लिए और टाइम देता है और लाइफ दे देता है सर। म्यूजिक बिल्कुल इस तरह से काम करता है। मैं सर कभी उदास होता हूँ तो मैं गाने सुनता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। मैं कभी गुस्से में होता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। कुछ भी सिचुएशन हो सर, उससे रिलेटेड गाने होते हैं, उस फील के गाने होते हैं, हम सुनते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हम सुनते हैं, हम बिल्कुल उछलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। तो म्यूजिक सर मेरी लाइफ में बिल्कुल मतलब दिल और जान की तरह है। लेकिन गुस्सा आप होते क्यों, ये तो बताओ, क्या अच्छा खाना कभी मम्मी कुछ अच्छा खाना नहीं देती तब गुस्सा आता है? एक्चुअली मैं बोलता हूँ इनको बाहर का खाना मंगा के दो, लेकिन घर का बना के देते हैं, तो सर तब बहुत गुस्सा आता है। और तो मेरी लाइफ में गुस्से का कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में म्यूजिक है। अच्छा, अभी वैसे तो बहुत कम उम्र है और बहुत छोटे हैं आप, लेकिन कुछ सोचा है, कुछ डिसाइड किया है कि प्रोफेशनली सिंगिंग में जाना है या पहले 12th कर लेंगे फिर सोचना है, क्या दिमाग में प्रोसेस अभी चलता है? सर मैं चाहता तो यही हूँ कि सिंगिंग की लाइन में जाऊं, लेकिन सर आगे जाके जैसा भी भगवान चाहेंगे उसी चीज को फॉलो कर लूं। भगवान ने तो आपको चमत्कार से म्यूजिक दिया ही है आपको, तो भगवान तो यही चाहेंगे कि आप एक अच्छे कुशल और समर्पित कलाकार बने शास्त्रीय संगीत के, और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो जड़ें हैं उसको और मजबूत करें। बीरेन बहुत सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही खुश रहें, गुस्सा कम करें, बाहर का खाना ज्यादा डिमांड ना करें, जैसे जैसे आपके जीवन में जो महत्व खाने और गाने का है उतना ही महत्व खुशी और अपने स्वास्थ्य का भी रखें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सर, कीप ब्लेसिंग, बाय बाय। बाय सर।